खबर शिवपुरी जिले के पोहरी से है, जहां आज स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की स्मृति में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट जीतू राठखेड़ा मित्र मंडल द्वारा पोहरी में समापन के अवसर पर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के सदस्य और ग्वालियर संभाग क्रिकेट संघ के उपाध्यक्ष महा आर्यमन सिंधिया के पोहरी और बराड़ आगमन पर लोक निर्माण राजमंत्री सुरेंद्र राठखेड़ा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता और ग्रामीणों द्वारा जगह जगह पर अभूतपूर्व स्वागत किया गया। नगर परिषद पोहरी और बराड़ में नगर परिषद अध्यक्ष सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जगह जगह स्वागत करते हुए लड्डुओं से तोल के कांटे लगाकर तोला गया। मंच से उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुए महा आर्यमन सिंधिया ने भाव विभोर होकर कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि मैं पहली बार आज अपनों के बीच आया हूँ। आपके आत्मीय स्वागत से मेरा मन खुशी से भर रहा है। आज मैंने अपने परिवार का प्रेम देखा है। आर्यमन सिंधिया ने मंच से युवा वर्ग से हाथ मिलाकर आभार भी प्रदर्शन किया। वहीं टूर्नामेंट के फाइनल विजेता टीम गाजीगढ़ 11 को महा आर्यमन सिंधिया ने ट्रॉफी और 1 लाख रुपए का चेक दिया। वहीं उपविजेता को ट्रॉफी और 50,000 का चेक दिया। पोहरी से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। पोहरी में प्रथम नगर आगमन रहा है, बेहद भव्यता के साथ स्वागत हुआ है। अब इसमें शुरुआत किया था पोहरी विधानसभा की होने वाली, इससे कुछ नहीं है। मैंने जैसे अपने भाषण में कहा, मैं क्रिकेट को बढ़ाने आया हूँ, मैं क्रिकेट को बढ़ावा देने आया हूँ मध्य प्रदेश का, और मैं लोगों से मिलने आया हूँ और अपना सम्मान बढ़ा रहा हूँ। जिस जो आगामी विधानसभा या लोकसभा चुनाव में आपकी राजनीति शुरू हुई, जैसे कोई राजनीति की बात हुई, तो पीढ़ियों से हम काम कर रहे हैं, पीढ़ियों से हम कर रहे हैं, पीढ़ियों से हम प्रयास कर रहे हैं प्रगति के लिए, और मैं स्पोर्ट्स से करना चाह रहा हूँ। युवा जी, एक सरल सरल व्यवहार को देखते हुए लोगों की एक आस है।